रविंदर आप भी मानते हैं, शांतनु उसके बाद आ रहा हूं, रविंदर आप भी मानते हैं कि बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी और कांग्रेस की तरफ से रीजनल चेहरे भूपिंदर सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, ये टक्कर होगी या मोदी वर्सेस राहुल भी कहीं कहीं दिखाई देगा? जी नमस्कार। देखिए मुझे लगता है इस बार की जो स्ट्रेटजी है ना वो कांग्रेस की और बीजेपी की मिलती जुलती है, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जिस इलेक्शन बाउंड स्टेट में 2-3 महीने पहले से विजिट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं हुआ। हरियाणा में 2 इंपॉर्टेंट रैलीज हुई जिसमें अमित शाह आए थे। एक में उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया पंचकुला में, और उसके बाद दूसरी रैली में जनता को ये बताने के लिए आए कि ये ओबीसी चेहरा है। ये 2 रैलियां हुई। प्रधानमंत्री इसके बीच में तभी आए जब चुनाव की घोषणा हो गई। देखिए लेकिन झारखंड में देखिए वो पहले से अपना रैली कार्यक्रम उन्होंने करना शुरू कर दिया है, और उसी तरह की स्ट्रेटजी कांग्रेस पार्टी की फिलहाल दिखाई दे रही है कि जो लोकल लीडरशिप है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और भूपेंद्र हुड्डा, बिल्कुल मैं संजय जी की बात से इत्तफाक रखता हूं कि आज की तारीख में भूपेंद्र हुड्डा दोनों पार्टियों में सबसे बड़े चेहरे के तौर पर हैं। दलितों में शैलजा जितना बड़ा चेहरा बीजेपी के पास नहीं है, उसी तरीके से ओबीसी या यादव समाज में राव इंद्रजीत के बराबर का चेहरा कांग्रेस के पास कोई नहीं है। और जिस तरीके से कोशिश की जा रही है कि ओबीसी समाज का सबसे बड़ा चेहरा नायब सिंह सैनी को प्रोजेक्ट किया जाए, तो उस हिसाब से नायब सिंह सैनी भी कम से कम एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के तो बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। और इसीलिए मुझे लगता है दोनों पार्टीज बैंक अपॉन कर रही हैं अपनी लोकल लीडरशिप पर, और इसीलिए पीएम के प्रोग्राम्स भी डिले लेट शुरू हुए हैं, और पीएम भी उतना ज्यादा एग्रेसिवली प्रचार नहीं कर रहे हैं। केवल दूसरी रैली हुई है आज, और देखिए बाकी जो लीडर्स हैं उनकी रैलियां धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। जेपी नड्डा भी यहां नहीं आए हैं, राजनाथ सिंह का आना नहीं हुआ है, जबकि ये लोग हरियाणा में अक्सर आते रहते हैं। हरियाणा में अच्छा खासा वोट बैंक है जो राजनाथ सिंह के पास है, या उनको कम से कम वो लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि बड़ा समाज है राजपूत समाज, उनका अच्छा वोट है। लेकिन इन लोगों ने भी अभी तक ज्यादा अपनी आमद नहीं दिखाई है। दोनों पार्टीज का स्ट्रेटेजी मोर और लेस सेम है, सिमिलर है, और जो लोकल लीडरशिप है क्योंकि इश्यूज बड़े लोकलाइज हैं, उन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। और देखिए जो शुरुआत में कांग्रेस पार्टी को बड़ी लीड दिख रही थी, काफी लीड दिख रही थी, कंफर्टेबल पोजीशन में कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो मुझे लगता है कि वो एक शेर है कि दोस्त ही कोई मुकाबिल में अब लाओ हमारे, दुश्मन तो कोई कद के बराबर नहीं निकला। तो ये आपस में ही झगड़ना शुरू कर देते हैं जब इतनी कंफर्टेबल सिचुएशन मिल जाती है। तो वही काम मेरे ख्याल से कांग्रेस ने यहां शुरू कर दिया है, और इस वजह से बीजेपी जो है वो पिछले 7-8 दिन से काफी गेन करती हुई एक मोमेंटम ऐसा बना है कि बीजेपी सुर्खियां बटोर रही है, लोग उस प्यारे में चर्चा कर रहे हैं कि भाई शैलजा अगर नाराज हैं तो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी कम से कम, देखिए 21% वोट है, 21% 2011 के हिसाब से वोट है, उस वोट को ऊपर कितना असर पड़ेगा। और कुछ ना कुछ नेता तो बीजेपी में भी हैं जो शेड्यूल कास्ट समाज से हैं, उन नेताओं को भी मौका मिल गया, लेकिन दिक्कत यह है कि उतने बड़े कद का नेता कोई नहीं है बीजेपी के पास शेड्यूल कास्ट में कि वो शैलजा को काउंटर कर सके। इसीलिए तो के शर्मा को, बीजेपी के सारे नेताओं को शैलजा जी पर इतनी हमदर्दी आ रही है, इतनी मोहब्बत आ रही है चुनाव के बीच, कैसे उसे मुद्दा बना रहे हैं।